चलो ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू से हम ना एक दफा पढ़ लेते हैं ना, बिल्कुल। चलिए हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। अच्छा तो ये सबक नंबर एक है, कलमा और इसकी अकसाम। ठीक है, कलमा और इसकी अकसाम ना, आए कुरान समझे, मुअल्लमातुल कुरान, शॉर्ट कोर्स है ये ना, कलमा और इसकी अकसाम। जब कलमा किसे कहते हैं, जुबान से निकलने वाले हर बामैनी लफ्ज को कलमा कहते हैं। ठीक है, जो भी लफ्ज आप मुंह से निकाल रहे हैं, जुबान से निकाल रहे हैं, उसको हम कलमा कहते हैं। ठीक है, अच्छा कलमा की ना, कलमा की तीन अकसाम है। कलमा की तीन अकसाम होती है, एक होता है इसम, एक होता है फेल, एक होता है हर्फ। कलमा की तीन अकसाम है, इसम, फेल और हर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसम को हम डिस्कस करेंगे। जो इसम जो है, जो किसी शख्स, चीज या जगह वगैरह का नाम हो या सिफत हो। ठीक है, जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो, जगह वगैरह का नाम हो या सिफत हो ना, तो इसको हम इसम कहते हैं। जो किसी शख्स, चीज, जगह वगैरह का नाम हो, इसको नाम हो या सिफत हो, या सिफत हो, इसको हम इसम कहते हैं। मसलन हमने मिसाल के तौर पर लिया था मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल जन्नतु, जन्नत, नाकतु, ऊंटनी, किताबुन, किताब, अल कलमु, कलम, बाकारातु, गाय। ठीक है, ये सब इसम है या सिफत है। ठीक है, शायरुन, जी शायरुन, शायर, फासिकुन, गुनाह। अब फासिकुन जो है ना, ये सिफत है। मुस्लिमु, जी मुस्लिमुन, मुस्लिम, ये भी जो है मुस्लिम मुसलमान होना एक सिफत है, नाम भी है। काफिरुन, काफिर, मक्कातुन, ये जगह का नाम है, मक्कातुन, मक्का। अज़ुबाबु, मक्खी अज़ुबाबु, मक्खी, मक्खी को अज़ुबाब कहते हैं, ये भी इसम है। अच्छा दूसरी जो चीज है वो फेल है। इसम हो गया, फेल क्या है, जिस कलमे से काम के होने या करने का पता चले ना, और कोई जमाना भी पाया जाए। ठीक है, उसे हम ना फेल कहते हैं, जिस कलमे से जी काम के होने या करने का पता चले और कोई जमाना भी पाया जाए, इसको हम ना फेल कहते हैं। अच्छा तो फेल क्या है, काम के करने या होने या कोई जमाना भी पाया जाए। नासारा, उसने मदद जी की। ठीक है, यकूलू, वो कहता है, आमना, वो कहे ईमान लाया, वो काला, वहां उसने आया कहा। ठीक है, उसने कहा हाँ, तो इसमें जो है ना, मतलब जुमाने, काम के होने का भी हो रहा है और जुमाना भी शोर है ना। ठीक है, तो इसको हम ना इसम कहेंगे, इसे हम फेल कहेंगे, सॉरी, इसे हम फेल कहेंगे ना। ठीक है, ये हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जुमाने जो है वो तीन होते हैं ना, जुमाने के बारे में हम बात कर ले। कौन कौन से जुमाने होते हैं, तीन, तभी फिर माजी फिर हाल फिर मुस्तकबिल। हाल, लेकिन जी, हाँ जी हाल, फिर, लेकिन हाल, माजी, मुस्तकबिल, जी, तीन जमाने होते हैं, जी, सही है, जी तभी लेकिन जो अरबी में वो दो होते हैं, एक फिर माजी और एक होता है फिर मुजारे। फेल मुजारे। अरफान भी क्लियर हो गया आपको, जी अरफान भी हाँ और जी सुनते भी क्लियर हो गया। जी वैसे तो इंग्लिश और उर्दू में दो तीन जमाने होते हैं, हाल, मुस्तकबिल और माजी, आपने सुना हुआ है। और अरबी में दो जमाने होते हैं, और एक होता है माजी और एक होता है कौन सा, मुजारे। मजारे में जो है ना, मजारे में कौन सा आता है, हाल और मुस्तकबिल, ये मजारे में आ जाता है। ठीक है, हाल और जी मुस्तकबिल मजारे में आ जाता है। सही है ठीक है, तो इसको ना फेल मजारे जो है वो कहते हैं, फेल मुजारे, हाल और मुस्तकबिल आता है, तो तीन जमाने होते हैं। अच्छा फेल काम करने या होने का पता चले ना, इसे फेल कहते हैं, और कोई जमाना भी पाया जाए। ठीक है, अच्छा जैसे सादा का, इसने सच कहा। ठीक है, तहदी, तू हदायत देता है। अब ये तहदी कौन सा है, ये हाल है, तू हदायत देता है। आबादा, उसने देता इबादत की। है उसने ठीक है, नअबुदु, हम इबादत करते हैं। अच्छा फेल, काम करने या होने का पता चले, कोई जमाना भी पाया जाए। खाला का, खाला का, उससे उसने पैदा पता किया। यखलुक, वो पैदा करता है।
यक्तुलु वो कत्ल करता है, यजलिमु वो जुलम करता है या करेगा। अच्छा फेल हो गया। उसके बाद हरफ, हरफ क्या है? वो कलमा है जो ना इसम हो ना फेल, बल्कि इसमों और फेलों को आपस में मिलाने का काम दे, और अगर अलग इस्तेमाल हो तो कोई खास फायदा ना दे। ठीक है, हरफ, हरफ जो है फेल और इसम को मिलाता है। ठीक है, इसम हमने पढ़ लिया नाम को कहते हैं, और फिर फेल पढ़ लिया कोई काम के होने को फेल कहते हैं, और तीसरा हरफ है, हरफ इसम और फेल को मिलाने का काम देता है, और इसका अपने जो है ना कोई खास मायने नहीं होते, इसका कोई खास फायदा नहीं होता अपना। जैसे फी, इन्ना, लम, लम का मतलब नहीं, ठीक है, अला पर, ली, लिए, बिन, बिन का मतलब शायद से होता है, अन के, वा और, ला नहीं, इला, इला होता है तरफ तक, ठीक है, और बेजर भी, से, साथ। अच्छा इसम की बुनियादी बुनियादी अलामतें दो है, ठीक है, इसम की बुनियादी अलामतें दो है, अलिफ लाम और तनवीन। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया, वैसे रिवाइज कर रहे। अलिफ लाम ये अलामत हमेशा इसम के शुरू में आती है और इसे खास कर देती है। ठीक है, अलिफ लाम का अरबी में वही तसव्वुर है जो इंग्लिश में दी का है, कि किसी भी इसम से पहले अलिफ लाम, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये उसको खास बना देती है। तो ये दी के मीनिंग जो है ना इसके होते हैं इंग्लिश में, जैसे दी करते हैं ना दा। अच्छा, शुरू में अलामत अलिफ लाम इसम को खास कर देती है, मसलन अलबाबू दरवाजा, असिरातु रास्ता, अलकिताबु किताब, असमरातु फल, अज़कातु ज़कात, अद्दुनिया दुनिया, अलअर्ज ज़मीन, अलमौत मौत, अर्रसूलु रसूल, अन्नारु आग, अलअज़ाबु अज़ाब, अलबकरतु गाय, अलमालु माल, अलबनूनु बेटे, अलकमरु चांद, अशम्सु सूरज। ये सब ना जी इसम के साथ अलिफ लाम लगा देना तो इसम को खास कर देता है। ये तनवीन है, तनवीन जो है डबल हरकत, दो ज़ेर दो ज़बर दो पेश को तनवीन कहते हैं। ये अलामत हमेशा इसम के आखिर में आती है और इसका आम होना जाहिर करती है। ठीक है, इसका आम होना जाहिर करती है। तनवीन का अरबी में वही तसव्वुर है जो इंग्लिश में ए का है। ठीक है, ए लगता है ना किसी चीज के साथ, वही तनवीन का जो है ना वही मीनिंग है। अच्छा, अलामत तनवीन इसमें इसम के आम होने पर दलालत करती है। मसलन बाराकुन बिजली, कौमुन कौम, समारातुन फल, मुनाफिकुन मुनाफिक, समाउन आसमान, नूरुन नूर। अच्छा, अलामत तनवीन इसम के आम होने पर दलालत करती है। जन्नतुन बाग, सहरुन जादू, बनाउन छत, माउन पानी, रसूलुन रसूल, काफिरुन काफिर। अच्छा, अब क्या नोट, अलिफ लाम या तनवीन जिस लफ्ज पर भी आए वो यकीनन इसम होगा। मतलब ये निशानी है, जिस लफ्ज के बाद दो जबर आ जाए, दो पेश आ जाए, दो जेर आ जाए, तो अरफान भी वो क्या होगा? अरफान भी वो क्या होगा? तनवीन जी। नहीं, जिस 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 लफ्ज के आखिर में दो जबर या दो पेश या दो जेर आ जाए वो क्या होगा? वो किसके साथ आएगी ये निशानी? ये निशानी किसके साथ आएगी? क्यों मुनव्वर भी? तभी इसम के साथ। इसम के साथ आएगी ना अरफान भी, इसम के साथ आएगी ना। इसम के साथ ये होगा, या अलिफ लाम लगेगा शुरू में या तनवीन लगेगा, दो जबर दो जेर। ये कर लसी है, ये ग्लास बस। चलो अलिफ लाम, अलिफ लाम, हाँ अरफान भी, तनवीन ना इसम के साथ आएगी ना, अलिफ लाम या तनवीन। अलिफ लाम इसम से शुरू में आएगा, उसको खास बना देगा, और तनवीन जब आएगी तो क्या होगा अरफान भी, इसम क्या बन जाएगा? क्यों अरफान भी, हमने पढ़ा है ना? हाँ जी, क्या बनेगा? तनवीन
तनवीन जिस लफ्ज़ पे आएगी वो तो इसमें होगा ना, वो यकीनन नहीं इसमें होगा। नहीं इसम तो होगा लेकिन वो क्या होगा, आम होगा खास होगा? खास होगा, खास नहीं, खास होगा अलिफ लाम लगाने से, तनवीन लगाने से आम होगा। हमने पीछे ये पढ़ा ना, दो दफा पढ़ लिया हमने जी। हाँ अलिफ लाम हम लगाएंगे। अरफान भी आप हाजिर नहीं लग रहे मेरे ख्याल। नहीं हाजिर हूँ सर। हाजिर है? ये देखिए ना हमने पीछे क्या पढ़ा है अरफान भी, दो दफा पढ़ा है, आप तो पहले आ गए थे ना। अलामत तनवीन इसम के आम होने पर दलालत करती है, ये दलील देती है कि इसम जो है ये आम है। अरफान भी पढ़े इस पेज को। अलामत तनवीन इसम के आम होने पर दलालत करती है, अलामत तनवीन इसम के आम होने पर दलालत करती है। बर्फ़ बिजली कौमुन कौम अमारातुन फल मुनाफिकुन मुनाफिक समाउन समाउन आसमान नूर नूर। नूर नूर जी आगे बढ़े इरफान भी। अलामतें तनवीन इसम के आम होने पर दलालत करती हैं, अलामत तनवीन इसम के आम होने पर दलालत करती है। जन्नतुन बाग ताहिरुन जादू बनीउन छत माउन पानी रसूलुन रसूल काफिरुन काफिर। जी पढ़े इरफान भी। आल या तनवीन जिस लफ्ज पर भी आए वो यकीनन इसम होगा और ये दोनों अलामतें एक इसम पर एक साथ लाना दुरुस्त नहीं। मतलब अल किताब वो कहना गलत, ठीक है ना, गलत गलत है, ये गलत है। मतलब इसम से पहले इरफान भी या अलीफ लाम आएगा, तो इसम से पहले अलीफ लाम आएगा तो इरफान भी वो क्या हो जाएगा, इसम। वो तो इसम ठीक है ना, नहीं वो खास हो जाएगा ना अरफान भी, खास हो जाएगा, खास हो जाएगा। और इसम के बाद में तनवीन आएगा, ठीक है, उससे वो इसम क्या बन जाएगा, आम हो जाएगा, आम हो जाएगा। बस ये चीज हमने ज़हन में बिठानी है। इसम से पहले अलिफ लाम लगेगा अलहम्दु, ठीक है, अब ये खास है अल्लाह का, ठीक है, अलहम्द, ठीक है, अल्लाह, ठीक है, ये अब खास लफ्ज है, ये खास अलिफ लाम लगाएंगे खास हो जाएगा, और दो जबर या दो पेश किसी लफ्ज के बाद लगाएंगे वो आम हो जाएगा, ठीक है। तो अलिफ लाम खास बनाएगा और तनवीन उसको इसम को आम बना देगी। बस ये दो चीजें हमने ज़हन में रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा इसम की पहचान हम पढ़ चुके हैं, देखिए फिर दे दो, हम पढ़ चुके हैं कि जिस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम या आखिर में तनवीन हो वो इसम होता है ना, ठीक है, ये इसम के साथ ही आएगी। तनवीन हमेशा अलिफ लाम लगा हो या तनवीन लगी हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसम है, ये उसकी निशानी है। इसके अलावा वो लफ्ज जिसके आखिर में ता या अलिफ ते हो वो भी इसम होता है, ठीक है। वो निशानियां और बता दिए, एक तनवीन हो अलिफ लाम शुरू में या तनवीन आखिर में हो ना, या ये हो कि जिसके आखिर में ता लगा हो ता, ठीक है, और अलिफ ते हो वो भी इसम होता है, ये भी निशानी है। इसम की अब चार निशानियां होंगी कि उससे पहले अलिफ लाम लगता है, बाद में दो जबर या दो जेर या दो पेश लगती है, और फिर बाद में ता लगता है, और फिर बाद में अलिफ ता लगता है। तो ये चार निशानियां होगी इसम का, इससे हमें पता चलेगा ये इसम है। अरफान भी क्लियर हो गया? हाँ जी। सबर भी आपको भी क्लियर है? सिस्टर नूरीन क्लियर हो गया? जी सर भाई क्लियर हो गया बिल्कुल। अच्छा अच्छा जन्नतु जन्नतु, अब देखिए ना जन्नतु, ये देखना एंड पे ता लगा है ना, जन्नतु, हाँ तनवीन है ये। अरफान भी ये जन्नतुन है, डबल पेश है मेरे ख्याल, क्या ख्याल है? हाँ जी जन्नत जन्नतुन है, जन्नतुन है ना, जन्नतुन। अब ये आम के मीनिंग में दे रहा है ना, आम के मीनिंग में इसलिए दे रहा है, कौन सी जन्नत, जनते तो बहुत सारी है ना, आम के मीनिंग कलीलातुन,
ठीक है, कम कम को कलील कहते हैं ना, ये भी अब आम, रहमतुन ठीक है, रहमत, कालीमतुन, हदीकातुन, हदीका का क्या मतलब होता है? तभी हदीका का मैंने लैला, लैला रात होता है, लैलातुन आम रात, हाँ आम रात, लैलातुन, आयातुन जुलुमातुन, हसनातुन असमावातु वातु असियातु। हाँ अब ये देखिए, ये तू है, अलिफ लाम लगाया ना, हाँ ये पेश है, ये अलिफ लाम है, असमावातु, अब ये खास बन गया है, अलिफ लाम लग गया है, ठीक है, अलिफ लाम, असई आतु, फासिकातुन। अच्छा फेल की पहचान, अगर किसी लफ्ज के शुरू में फेल की पहचान ना, फेल का हमें कैसे पता चलेगा, इसम का तो पता चल गया ना, अच्छा भी पढ़ ले आगे या रहने दे? मैं कह रहा हूँ बड़ा ये इतना ही अपना, ये खास और आम का जो है ना, यही बड़ा है, आज पहचान कर लिया ना हमने। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, मैं यही पे हम बस करते हैं इसे ना। तो वैसे काफी नई चीजें पता चल गई मुझे भी आपकी वजह से ना, क्लियर हुआ है मुझे भी, समझ आई आपकी, आप काफी चीजें पता लग गई, काफी चीजें क्लियर हुई है। अच्छा तभी वो चीजें रिपीट हो रही है कि जो हमने पढ़ी थी क्लास 3 में या 4 5 में ना, जी ऐसी इसमें पड़ी थी, इसम फेल अर्फ, अब इसमें अब आगे आएगा आस्ता आस्ता, इसमें इल्म की पहचान। और हम शेयरिंग को स्टॉप कर दे। अच्छा क्या हुआ भाई, अच्छा सर अभी हम ना वो कर ले, अच्छा वीडियो देख लो भाई, वीडियो देख लो अच्छी तरह से, अच्छा बात सुनो सही, वो चलो देखता हूँ निकाल देता हूँ, सिक्स टेंथ में वो इसमें आवाज आएगी, देखें वीडियो में वो आवाज आएगी, देख लो सिक्स टेंथ का आइटम बुक्स खोलो, ऊपर चले जाओ वो इधर ये निकाल वो देना। अच्छा जी हम वो मेडिटेशन वाली कोशिश करते हैं, वीडियो वो चलाते हैं ऊपर चल जी, टाइम लगाएगी बहुत है ना, अरफान भी आपके पास है मेडिटेशन वाली वीडियो, लेकिन आपकी आवाज नहीं क्लियर आएगी, सर्च नहीं कर सकते? उस पर चला दोगे? अच्छा जी, जी सिस्टम का क्या हाल चाल चल रहा है, सिस्टम का क्या हाल है? हाँ जी आ रही है, अभी आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे,
मामला ना उनको जिस सिस्टम के मुताबिक गुजारे ना मतलब मामला ना दिल के मत आ रही है आवाज आ रही है मतलब गुमशुदा आवाज है सही आवाज नहीं सही आवाज आ रही है नहीं आवाज नहीं सही आप बता दी उसमें तभी आवाज में वो आ रही है क्या कहते हैं डिस्टॉर्शन आ रही है मतलब प्रॉपर आवाज नहीं पहुंच रही हां जी मतलब वो क्या कह रहे हैं प्रॉपर आवाज नहीं आ रही नहीं आ रही है डिस्टॉर्शन आ रही है कायदा आवाज में ना मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है या ये वीडियो की आवाज में आ रही है तभी जो वीडियो में अच्छा हाँ जी अब देखिए दोबारा देखिए तभी नहीं आपकी आवाज ठीक आ रही है इमरान भी आप बताएं अब आवाज सही आ रही थी आपकी आवाज आ रही है लेकिन वीडियो आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज बिल्कुल साफ आती है जब जब वीडियो चलाते हैं ना आवाज साफ नहीं आती है ना सीम सी भाई अड्डी में घुस गए और सुबह सुबह जुड़ बोल रहे यार अच्छा ये वीडियो की आवाज नहीं आ रही यार दो दफा ट्राई कर लिया बस हेलो प्लीज सर ये वीडियो आप ग्रुप में भेजना मैं लगा के देखता हूँ शायद मेरे पास ठीक आ जाए ये ग्रुप में रिपीट करना आप ये वीडियो ने ट्राई कर लू तो ये कौन से करूँ ये करूँ स्टॉप शेयर ये जो सात चक्रास है वो हमारे जीवन की ऊर्जा का स्रोत्र है माइंड और बॉडी का जीवन के साथ बैलेंस जी अब बताएं आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक आ रही है बिल्कुल ठीक चलिए अब ठीक आ रही है हाँ जी तभी प्रॉपर आ रही है बिल्कुल चलिए सीम भी सही कर दिए मैं अमिता पाल और आई रीडर एंड रेकी मास्टर आपकी आवाज आ रही है लेकिन जो वीडियो से आवाज नहीं आ रही अभी स्टार्ट हुई थी तो प्रॉपर आवाज आ रही थी अब नहीं आ रही आवाज सही अरफान भी आपको मिली है वीडियो मैं देखता हूँ जी ये अरफान जी आपने किया था ना जी
जी आपने ये व्हाट्सएप की है? दो दफा पहले की हुई है, मैं दोबारा फिर कर देता हूँ। वो मैंने सेट चेंज किया मेरे, उसमें सेट में पुराने में हो गई, नया इसमें नहीं है। असीम यार उसके पास वीडियो नहीं है यार, लगा दे यार, नहीं भेजो, नहीं भेजने में और जाने में दस, हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में भेजी और जाई नहीं जा सकती, लगा दो यही पे। यहां से जाएगी वहां पे वो रिसीव करेगा, इतने में 10 मिनट हो जाएंगे हमारे पूरे। यही करेंगे और तो कोई तरीका नहीं है। आ गया बस मेहरबानी यार, थैंक यू। तोते को बुला दे पानी। जी अब आवाज क्लियर आ रही है? जी अरफान भी आवाज क्लियर आ रही है? मनोहर भी आपको आ रही है? आपकी आवाज भी डबलिंग हो रही है, आपकी आवाज डबलिंग हो रही है सर ना। मेरी आवाज भी डबल आ रही है। हाँ पहले सिर्फ डबलिंग थी ना, वो मतलब ये जो वीडियो डबलिंग थी, अब आपकी भी डबलिंग है। अब आपकी आवाज ठीक है, आपने जो स्टॉप किया ना मूवी को, आपकी आवाज ठीक होगी।